दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं होटल और रेस्टोरेंट में बनने वाले पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। बिल्कुल होटल स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों बिना देरी किए चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद किचन हिंदी, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बिना देरी किए इसको बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैक्रोनी लिया है, उसके बाद मैदा 2 चम्मच, घी ले लिया आप 2 से 3 चम्मच, शिमला मिर्च एक छोटा रफली चॉप कर लें, गाजर, प्याज और 7-8 कली लहसुन की अच्छे से चॉप कर लें। सबसे पहले हम पानी को बॉईल कर लेंगे। पानी उबल जाने के बाद इसमें 1 कटोरी मैक्रोनी को उबाल देंगे। इसको उबालते समय ध्यान रहे दोस्तों, इसमें हमें थोड़ा सा तेल और नमक मिक्स करना होगा, उससे बहुत अच्छे से सॉफ्टली पक जाएंगे और नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमने इसको 10 से 12 मिनट तक उबालना होगा। देखिए हमने नमक भी डाल दिया, तेल भी डाल दिया, इसी तरह से आप उबाल लें। उबालने से पहले आप इसको थोड़ा सा डालने से पहले इसको चला लें, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा बर्तन में। अच्छे से इसको चला देंगे तो फिर अच्छे से उबलता रहेगा, 10 से 12 मिनट में अच्छे से उबल जाता है। तो देखिए 12 मिनट बाद हमारा मैक्रोनी उबल कर रेडी हो गया। हम इसको एक स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा मैक्रोनी बहुत अच्छे से पक चुका है, बहुत सॉफ्ट तरीके से। 10 से 12 मिनट पकाएंगे तो अच्छे से पक जाता है। दोस्तों अब व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम एक पैन को ले लेंगे। पैन को अच्छे से गर्म होने दें, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और इसमें आप घी या बटर का इस्तेमाल करें। हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 बड़ा चम्मच घी ले लें। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें जो मैदा लिया है उसको डाल देंगे। हमने 2 बड़ा चम्मच मैदे का लिया है, इसको हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है इसका कलर गोल्डन होने तक, और इसका बहुत अच्छे से बहुत टेस्टी एक खुशबू आएगी, वो इसकी पहचान है इसको फ्राई हो जाने की। तब तक आपने इसमें मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है, साथ ही स्टर करते रहना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें दोस्तों दूध का इस्तेमाल करेंगे। हमने 300 ml दूध का इस्तेमाल किया है। दूध एक ही टाइम में नहीं डालना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके 3-4 टाइम में डालें। एक ही टाइम डालेंगे तो अच्छे से पक नहीं पाएगा और गांठें बन जाएंगी। देखिए ये जो भी गांठें बनी है इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल कर इसको मैश करेंगे तो चले जाएंगे। आप इसी तरह से करें, गैस का फ्लेम कम रखें बहुत अच्छे से। इसी तरह से आप इसमें बार बार थोड़ा थोड़ा दूध करके 3 से 4 टाइम में आप इसको सॉस को तैयार करेंगे। तो देखिए हमने लास्ट में इसमें डाल दिया है दूध। अभी हम इसको मैश करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों नमक, 1/2 चम्मच नमक डालें, और साथ ही इसमें काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें। इसमें चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगानो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी हम बाद में डालेंगे। देखिए हमारा लगभग व्हाइट सॉस बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा उबाल आने के बाद हम इसको साइड कर देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसको थोड़ा पतला रखना है, ये ठंडा होने पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसको साइड करते हैं। अब एक हम पैन को ले लेते हैं, पैन को अच्छे से गर्म होने दें। गर्म होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें, अच्छा है रिफाइंड ले दो। साथ ही अब इसमें हमने लहसुन और प्याज को फ्राई करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करना है। जैसे ही सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें कटे हुए वेजिटेबल ऐड कर देंगे, गाजर और शिमला मिर्च। आप चाहे तो और एक्स्ट्रा वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी बारीक काट करके डाल सकते हैं। हमने इसमें 1/2 चम्मच नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसको हम 2 मिनट तक अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। दोस्तों जैसे ही पक जाए हम अब इसको व्हाइट सॉस वाला पैन ले लेंगे। थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड कर देंगे। वेजिटेबल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें, तो अच्छे से इसको स्टर करते रहें। छोड़ देंगे तो ये जलने लगेगा, स्टर करते रहें रेगुलर। अब इस पोजीशन में आकर के दोस्तों हम इसमें मैक्रोनी या पास्ता जो भी आपने बॉईल किया है उसको डाल दें। एक चीज़ और दोस्तों, जब आप मैक्रोनी पास्ता को पानी से रिमूव करते हैं स्टेनर पे रखने के लिए, आप उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं, और उससे क्या होगा, चिपचिपा नहीं होगा और सेपरेट रहेगा। ऐसा ही करें आप भी। अब हम इसको गर्म होने तक स्टर करेंगे, साथ ही इसमें ओरिगानो
ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसको थोड़ा सा स्टर करने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दें। इस पोजीशन में अगर आपको दोस्तों चीज़ पसंद है तो चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें चीज़ बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो आपको अगर चीज़ पसंद है तो चीज़ ज़रूर ऐड करें। एक या दो क्यूब क्रश करके डालें। हमने एक क्यूब को डाला है क्योंकि उससे बहुत ठीक भी हो जाता है और एक अलग ही टेस्ट आता है व्हाइट सॉस मैक्रोनी में। तो हमारा मैक्रोनी बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है, इतना टेस्टी बनता है कि अगर आपने एक बार बनाया तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पे इसी तरह की रेसिपीज आती रहती हैं। साथ ही अपना कमेंट लिखना ना भूलें, वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए।